बासित भाई ने भी कहा है कि बाबर आजम दोस्ती यारी 11 इससे पहले बासित भाई क्या कर रहे थे है? इससे पहले बासित भाई क्या कर रहे थे? बासित भाई भी तो यारी दोस्ती 11 नहीं उठा बासित भाई बिल्कुल कर रहे थे। पाकिस्तान आजम बाबर आजम पाकिस्तान आजम तो पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए बाबर। यार क्रिकेटर अच्छा करेगा तो वो अच्छा बोलेंगे वो बुरा करेगा तो फिर एक पान वाले में और बासित अली में क्या फर्क है मुझे बताया। उस वक्त सिचुएशन अलग थी अब वही थोड़ी कि 92 वर्ल्ड कप की हम लोग के बैठे रहे और अच्छा था 92 वर्ल्ड कप की बात नहीं है भाईजान पूरी दुनिया का नजर आ रहा है बाबर आजम कप्तान ये मटेरियल नहीं है। बासित भाई मुसलसल ये बात बैठ के बोल रहे थे। बासित भाई की बहुत इज्जत करता हूँ बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह नहीं है वो हैं मेरे बड़े भाई लेकिन जब बात मेरिट की होती है तो बासित भाई जैसे लोग ही हैं ना जो कहते थे पाकिस्तान आजम पाकिस्तान आजम का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए सोच रहा है वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोचता। बासित भाई आप उसको पाकिस्तान आजम मैंने अपने टीवी शो में भी आपको कहा कि आप गलत कहते हैं पाकिस्तान आजम और अभी भी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान आजम गलत कहते हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा है ये बात जो हम तो मामूली के आपके नाखून के बराबर भी नहीं है क्रिकेटर हमें नज़र आ रहा है कि वो कप्तानी के काबिल नहीं है और आप उसको मुसलसल कह रहे थे कि बाकी जो बाबर आजम को जो कप्तान होना चाहिए अब आप खुद भी बात बैठ के कह रहे हैं कि जी वो उसकी अकल सारी कप्तानी कर रहा है उसके फैसलों में कोई वो नहीं है। बासित भाई का आज का बयान देखा है आपने? बासित भाई के दिन में 4 बयान आते हैं कौन सा बयान कौन सा बयान उन्होंने कहा कि अगर बाबर 3 छक्के लगातार मार देगा ना तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। बाबर 3 छक्के लेकिन ये बात है बाब देखें बासित भाई की जो क्रिकेटिंग सेंस है ना हाँ बाबा जो क्रिकेटिंग सेंस है ना बासित भाई की वो बिल्कुल सही है। देखें ये बात वो कर रहे हैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस से ठीक है और वो वाली बात जो वो बाबर आजम के लिए कर रहे थे वो बात बराए बात मुझे लग रही थी उस वक्त भी मैं उनसे इख्तलाफ करता था अभी भी कर रहा हूँ। ये बात जो बासित भाई ने बोली है कि 3 टीमों के 3 के खिलाफ बड़े छक्के लगा दिए बासित भाई प्रूवन कोच है क्वालिफाइड कोच है कप्तान है पाकिस्तान के ये बात उन्होंने देख के लेकिन उस बात में मैं राजी एग्री नहीं हूं। मोहसिन नकवी अब्दुल रजाक यूसुफ वहाब रियाज सब कह रहे हैं कि अच्छा कप्तान है आप कह रहे हैं मटेरियल ही नहीं कप्तानी का हम इधर बैठे ना हमें भी अच्छा कप्तान लग रहा है उधर बैठेंगे तो अब्दुल रजाक की तरह हम भी बोल रहे होंगे अच्छा कप्तान। यार कहाँ की इनकी बातें कर रहे हैं बोर्ड के अंदर आते हैं तो कुछ और बातें कर रहे होते हैं बोर्ड के बाहर जाते हैं तो कुछ और बातें कर रहे होते हैं। बोर्ड इतना ही खराब कप्तान है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों लाया था? नहीं खराब कप्तान है आप देख लीजिएगा पाकिस्तान की टीम को किसी से खतरा नहीं है भाई ना पाकिस्तान को इंडिया से खतरा है ना साउथ अफ्रीका से ना इंग्लैंड से पाकिस्तान को खतरा जो है ना ये मैंने अपने यूट्यूब के शो में भी कहा है टीवी के शो में भी कहा है बाप के शो में भी कह रहा हूँ उस पर स्टैंप लगा दें पाकिस्तान को असल खतरा आपकी कप्तान से बाबर आजम से बिल्कुल है क्योंकि आप 11 अच्छे प्लेयर देने उसको लड़ाने वाला नहीं होगा तो फिर कैसे जीतेंगे आप वो लड़ा रहा है ना क्या लड़ा रहेगा यार कोई ऐसा फैसला आप बता दें कि उसने ढंगा किया हो। हारिस रौफ की जगह दूर दूर तक हसन अली 2022 से नहीं खेला T20 हो आप कहां से लेकर आ गए T20 में उसको? यार ठीक है अटैक बॉलर है आपका बैकअप कह रहे हैं ना तो फिर आप बंद कर देना भाई तो फिर आप मोहम्मद अली जमान खान शाहनवाज दानी का बॉलर है सिर्फ तो हसन अली कहाँ का बोलर है? हसन अली वर्ल्ड का वो तो कहीं का नहीं है वो तो कहीं का नहीं है ना भाई वो इफी भाई तो कहते ना उसको डांस की वैसे नहीं कर रहा मैं पता नहीं किस लिए अच्छा ये